4 दिसंबर को, और उसने उस दिन कहा कि जब सब लोग हमारे एकजुट होंगे, उसमें हमारा निर्णय हुआ कि हमको क्या करना चाहिए अपने हक की लड़ाई के लिए, किस तरफ हमारी दिशा होनी चाहिए, किधर हमारा झुकाव होना चाहिए, ये हम उस दिन तय करें। जी जी, 4 दिसंबर को बड़ा ऐलान होगा। जो हम लोग का मंच है, जो इससे जुड़े लोग हैं, वो अपने हक की भी बात करेंगे, हक की भी बात करेंगे, हमारा जो हक है वो हमको मिले, किसी को नहीं दे। मैं अपनी ताकत दिखा रहा हूँ और मैं अपने ताकत का आकलन करने का यह संकल्प सम्मेलन से, यह मैं आप हमारी ताकत क्या है, हमारे मंच की ताकत क्या है, इसका प्रदर्शन मैं करूँ कि हमारा जो अधिकार है वह हमको मिले, और उस अधिकार के लिए, उस हक के लिए हम लड़ाई लड़ें, यही प्रमुख उद्देश्य है इस संकल्प महासम्मेलन। ठीक है, जातीय गणना हुई है, उस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। कुछ लोग उसको सही कर रहे हैं, कुछ लोग गलत कर रहे हैं, उस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। सिर्फ राजपूत ही नहीं जुड़े हुए हैं, बहुत सारे, किसी जाति और धर्म का इस मंच से कोई लेना देना नहीं है। तो पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, किसी पार्टी का कोई लोग जो है नहीं रहेंगे, हमारे सिर्फ लोग रहेंगे, कोई पार्टी वहाँ नहीं रहेगी। हमने कहा कि हमारा जो यह संकल्प महासम्मेलन है, इसमें हमारे लोगों का जो अधिकार है उसकी बात उठाना है, उसके लिए संघर्ष करना है, उसकी बात को कहीं रखना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है कि 4 दिसंबर का जो हमारा संकल्प महासम्मेलन है मिलर हाई स्कूल में, और उस का आयोजन रामा विचार मंच के द्वारा किया गया है, और इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जो पूरे बिहार में हमारे मंच से जुड़े लोग हैं उनको इकट्ठा कर, जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है राज्य में और देश में, वह इस मंच के से जुड़े लोगों से संवाद करना है, और उस दिन 4 दिसंबर को सभी लोगों के जुटने के बाद वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में क्या निर्णय करना है, इसीलिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। जो हम लोग का मंच है, जो इससे जुड़े लोग हैं, वो अपने हक की भी बात करेंगे, हक की भी बात करेंगे, हमारा जो हक है वह हमको मिले इस संदर्भ में, और इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य यही है, और कोई बहुत ऐसा कुछ नहीं है। आगे जो भी होगा निर्णय सभी लोग के जुटने के बाद, 4 दिसंबर के बाद हम लोग निर्णय लेंगे, और विशेष ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो कुछ है वह प्रेस विज्ञप्ति में हम आप लोगों के समक्ष। क्या संकल्प लेंगे, संकल्प नाम रखा है अपने महासंकल्प, देखिए देखिए वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हमारा संकल्प ये होगा कि हमारा जो अधिकार है वह हमको मिले, और उस अधिकार के लिए, उस हक के लिए हम लड़ाई लड़ें, यही प्रमुख उद्देश्य है इस संकल्प महासम्मेलन का। जी जी, तो जातीय गणना हुई है, उस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। कुछ लोग उसको सही कर रहे हैं, कुछ लोग गलत कर रहे हैं, उस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जी, हमारा ये कहना है कि सरकार ने जातीय जनगणना करवाई है, यदि गलत है या सही है तो निश्चित रूप से उसका आएगा। अपने मन से अंदाज से जो है कुछ भी कहना कि सही है और गलत है उचित नहीं है, इसलिए हमारा उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। नहीं नहीं, चुनाव देखिए, चुनाव तो हम बहुत लड़े हैं, एक चुनाव नहीं लड़े हैं, हम 33 वर्षों से चुनाव लड़ रहे हैं, और सभी चुनाव में लड़े हैं और सफल भी रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य यह लोकसभा का चुनाव नहीं है। हमने कहा कि हमारा जो यह संकल्प महासम्मेलन है, इसमें हमारे लोगों का जो अधिकार है उसकी बात उठाना है, उसके लिए संघर्ष करना है, उसकी बात को कहीं रखना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। न कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, लोकसभा का चुनाव भी मैं पहले भी दो बार लड़ा हूँ, सफल भी रहा हूँ, विधानसभा भी चार बार लड़ा हूँ, 4 बार सफल रहा हूँ, तो यह हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। यह कोई उद्देश्य मेरा नहीं है कि हम चुनाव के संदर्भ में जो है कोई बात करें। एक सवाल ये साफ हो गया है, माना जाए भाई रामा सिंह राजपूतों का जुटान कर रहे हैं, ये साफ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप उसको मानिए, बिल्कुल मानिए, इस मंच से जुड़े हुए हैं, सिर्फ राजपूत ही नहीं जुड़े हुए हैं, बहुत सारे, किसी जाति और धर्म का इस मंच से कोई लेना देना नहीं है, सभी वर्ग के लोग। आप यहीं पर यदि आप सभी लोगों से आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं, जितने अभी कम लोग ही हैं उन लोगों से, तो आपको किसी जाति और धर्म का जो है यहाँ दीवार आपको नहीं मिलेगी।
ताकत दिखाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र में महत्व इसी का है। नहीं नहीं नहीं, देखिए वो कोई वो हमको क्यों दिखाने की जरूरत, हमारी तो कोई जरूरत नहीं जी, नहीं किसी को नहीं दे, मैं अपनी ताकत दिखा रहा हूँ और मैं अपने ताकत का आकलन करने का यह संकल्प सम्मेलन से यह मैं आप हमारी हमारी ताकत क्या है, हमारे मंच की ताकत क्या है, इसका प्रदर्शन मैं करूँगा। देखिए कोई लोग हिस्सा नहीं लेंगे, लोग जो हमारे हैं वही हिस्सा लेंगे, कोई नाम छोटे नाम और बड़े नाम हमारे मंच में नहीं है, सभी बड़े नाम है, सभी बड़े नाम है, वह आपको उस दिन 4 तारीख को दिखेगा। पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, किसी पार्टी का कोई लोग जो है नहीं रहेंगे, हमारे सिर्फ लोग रहेंगे, कोई पार्टी वहाँ नहीं रहेगी। इससे पहले लोजपा से आप सांसद रहे हैं, जी जी, अभी की क्या स्थिति है, क्या किस तरफ झुकाव है? देखिए देखिए लोजपा से हम सांसद 2014 से 2019 तक रहे, आज जो है हमारी पत्नी आरजेडी से 2020 से अभी तक 23 तक आरजेडी से विधायक, तो आप समझ सकते हैं लोजपा से हम रहते तो चुनाव हम लड़ते लोजपा से, तो अभी लोजपा में तो हम हैं नहीं, और मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, और कोई मेरा पार्टी का बैनर जो है वहाँ नहीं रहेगा, किसी भी पार्टी का नहीं रहेगा। समाज को एकजुट कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल जागरूक कर रहे हैं, एकजुट है हमारा समाज, उसको जागरूक कर रहे हैं कि आगे हम लोग का निर्णय ऐसा हो कि हमारी हकमारी नहीं हो सके, इसके लिए मैं लोगों को जागरूक कर जी जी बिल्कुल बिल्कुल सब लोगों को अपना जो समझ है उस हिसाब से कर रहे हैं, इसमें कोई प्रतिबंध तो है नहीं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में यह प्रतिबंध तो है कि भाई एक आदमी करेंगे तो दूसरे लोग नहीं करेंगे, सब लोग को अधिकार है, हक है, सब लोग कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ। आने वाले समय में समाजवादी विचारधारा को आगे मजबूत करने के लिए साथ में रहेंगे या दूसरे तरफ से क्या कुछ प्लानिंग है? नहीं नहीं देखिए हमारा जो है आने वाला समय होगा वह आपको दिखेगा 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को, और उसने उस दिन कहा कि जब सब लोग हमारे एकजुट होंगे उसमें हमारा निर्णय होगा कि हमको क्या करना चाहिए, अपने हक की लड़ाई के लिए किस तरफ हमारी दिशा होनी चाहिए, किधर हमारा झुकाव होना चाहिए, ये हम उस दिन तय करेंगे। बड़ा ऐलान करने वाले हैं जी जी, 4 दिसंबर को बड़ा ऐलान होगा। देखिए अभी अभी जो है सिर्फ हम अपने लोगों की बात कर रहे हैं, जो हमारे मंच से जुड़े लोग हैं उनकी बात है, और सब लोग आएंगे, उसके बाद वापसी कहाँ करना है, सब लोग तो हम लोग हैं ही, जहाँ हैं राजनीति कर ही रहे हैं, 365 दिन हमारा चलते रहे, दिखा के बार्गेनिंग करेंगे उसके बाद। नहीं नहीं बार्गेनिंग शब्द आप कहाँ बोल रहे हैं, ये बार्गेनिंग आप क्या बोल रहे हैं, कौन चीज़ का बार्गेनिंग होता है शक्ति, तो बार्गेनिंग कौन शब्द आप बोले, बार्गेनिंग हम लोग कोई दलाली करते थोड़े हैं, सुने क्या कहीं की दलाली करते हैं, हम लोग दलाली नहीं कर, दलाल नहीं है कि दलाली करते हैं और वसूली करते हैं, कहीं चंदा वसूली करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो हम उसी की बात करते हैं।